समझाने के लिए इसमें 50 चैन बुनी हैं। और देखिए मेरा क्रोशिया नंबर 9 है, इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो कैसे बुनेंगे, एक बल लेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 यानी कि चौथी वाली चेन में हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया से बुनना है। 1 2 3 तो देखिए हमारे कॉर्नर के 4 बन गए बिल्कुल कोने में, यानी जो हमारी साइड बनेगी यहाँ हम 4 बार बुनेंगे। 1 2 3 4 फिर देखिए 1 2 2 चैन बुनेंगे और 1 2 चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया यानी 1 2 3 ये 1 बन गया। इसी तरह से हमने 6 टाइम बुनना है, 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद देखिए 1 2 2 चैन बुनेंगे और 1 2 चैन स्किप के थर्ड वाली चैन में हमने फिर से 6 टाइम बुनना है, 1 2 3 4 5 6 1 और 2। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं फर्स्ट रो कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है, देखिए किनारे में 4 बुने हैं मैंने और देखिए ये 6 हैं और 2 चैन का गैप है, फिर ये 6 बार बुना है, फिर 2 चैन का गैप और इस किनारे में भी मैंने 4 बुने हैं। अब देखिए यहाँ से अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। एक दो तीन चार, 4 चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए 1 और 2 2 चैन बुनेंगे और इस जाली में देखिए इस तरह से 1 2 3 फिर 1 और 2 फिर इस जाली में बुनेंगे 1 2 3 फिर देखिए इस जाली में 2 बल लेंगे और इस तरह से 1 2 3 और फिर देखिए 4 फंदे हो गई है, 1 2 3 4 इन 4 फंदों को एक साथ बुन देंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 5 बुनेंगे, 5 चैन बुनेंगे, फिर से फ्रेंड्स 1 और 2 2 बल लेंगे, फिर इसी जाली में हमने बुनना है 1 2 3 फिर 1 2 बल, फिर देखिए 1 2 3 फिर देखिए 1 और 2 2 बल और फिर हमने 1 2 3 फिर देखिए हमारे 4 फंदे हो गए, फिर हम इन 4 फंदों को एक साथ बुन देंगे इस तरह। फिर आपने क्या करना है देखिए, फिर आपने यहाँ इसी तरह बुनना है 1 2 देखिए मैडम, फिर से आपने 1 2 2 बल लेने हैं और यहाँ कि 1 2 3 2 बल लेंगे, फिर से इसी जाली में 1 2 3 और फिर इन 4 को एक साथ बुन देंगे। फ्रेंड्स ये हमारी सेकंड रो है, फिर इसके बाद देखिए गैप रखेंगे 1 2 3 4 5
पांच चैन का गैप रखेंगे, फिर इसी जाली में हमने एक और दो दो बल लेंगे, फिर इसमें बुनेंगे। देखिए एक दो तीन, एक हो गया, फिर एक और दो, फिर देखिए एक दो तीन, फिर एक और दो दो बल लेंगे इस तरह से, एक दो तीन, और फिर देखिए इन चारों को एक साथ बुन देंगे। फिर हमने एक दो दो बल लेके इस तरह से बुनना है, एक दो तीन, एक दो दो बल, फिर देखिए एक दो तीन, फिर एक दो बल, फिर देखिए एक दो तीन, और इन चारों फंदों को एक साथ बुन देंगे इस तरह। देखिए इसी तरह से फ्रेंड्स हमने सेकंड रो बनानी है। तो देखिए सेकंड रो कंप्लीट करके थर्ड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है और बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। तो देखिए लास्ट पर फिर हमने यहाँ से इस तरह से बुनना है। फिर देखिए अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद आपने क्या करना है फ्रेंड, हर चेन में यहाँ आपने एक दो सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। ये हमारी थर्ड रो है और यहाँ देखिए अब इस जाली में हमने बुनना है एक दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद देखिए छः सात आठ और नौ, नौ बुनेंगे। नौ के बाद क्या करेंगे, एक बल लेंगे। आप देखिए इस वाली जाली में आपने क्या करना है, ये देखिए डबल क्रोशिए से एक, फिर आपने देखिए एक एक बल लेंगे, दो दो के बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन बुनेंगे, फिर एक बल लेंगे और इसमें बुनेंगे एक दो तीन, फिर देखिए एक बल लेंगे, फिर इसमें बुनेंगे एक दो तीन, फिर आपने एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन बुननी है, फिर एक बल लेना है, फिर इसमें बुनना है आपने एक दो, फिर एक दो तीन चार पाँच, एक बल लेंगे, फिर इसी जाली में हमने बुनना है एक दो तीन, फिर एक बल लेंगे और फिर इस तरह बुनेंगे एक दो तीन, बनेगा ये। देखिए आपने देखिए पांच चैन बुननी है, फिर देखिए यहाँ ट्रिपल क्रोशे से बुना है, तो देखिए जोड़े बनाए हैं एक दो तीन चार, पांच बार बुनना है आपने। फिर आपने क्या करना है, देखिए इस वाली जाली में आपने सिर्फ सिंगल क्रोशे से सेवन टाइम बुनना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, सेवन टाइम के बाद दो बार और बुनेंगे तो नाइन टाइम बुनना है आपने इसमें। जैसे आपने ये बुना था इस तरह ही बुना, इसी तरह से हम इसमें बुनेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस वाले जाली में भी आपने एक बल लेना है और ये देखिए इस तरह से एक दो तीन, फिर देखिए एक बल लेना है एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन बुनेंगे, फिर देखिए इसी में बुनेंगे एक दो तीन, एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर देखिए इसी में बुनेंगे एक दो तीन, फिर देखिए एक दो
तीन, फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच बनेंगे, फिर एक बार लेंगे, फिर इसी में बनेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, देखिए पांच बार बनाने, एक दो तीन चार बन गए हैं, एक दो तीन चार पाँच, फिर देखिए एक दो, एक दो तीन चार, एक बार और पाँच, फिर आपने इसमें देखिए नाइन टाइम बुनना है। इस तरह से आपकी थर्ड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने सिंगल क्रोशे से इसमें नाइन टाइम बुनना है, तो दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और एक बार लेके यहाँ आपने इस तरह से बुनेंगे। इस तरह से देखिए हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब फोर रो बुनेंगे, फोर रो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फोर रो हम पिंक कलर से बनाएंगे। तो देखिए आपने क्या करना है, यहाँ देखिए पहले आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है, फिर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन, तीन चैन बनेंगे, और फिर देखिए सिंगल क्रोशे से बनेंगे, एक एक दो तीन चार, इस तरह से देखिए। फिर आपने देखिए इसके अंदर भी आपने फाइव टाइम बुनना है, एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से। फिर आपने देखिए दूसरी वाली जाली में भी एक दो तीन चार पाँच, फिर आपने इस वाली जाली में भी एक दो तीन चार पाँच, इसमें भी एक दो तीन चार और पाँच, देखिए इस तरह से बनेगा। तो फिर इस रो को मैं कंप्लीट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए हमारा डिजाइन देखिए कंप्लीट हो गया, और देखने में कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।